हेलो व्यूवर्स मैं राजकुमार सोनी इंडियन नेवी रिटायर्ड एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं व्यूवर्स आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन के बारे में हम सब जानते हैं प्रपोजिशन एक पार्ट ऑफ स्पीच है यदि एक छोटा सा ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन प्री का मतलब बिफोर पहले और पोजिशन का मतलब होता है स्थान प्लेस बेसिकली सो प्रिपोजिशन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हो के उसका जो रिलेशन है वो दूसरे नाउन प्रोनाउन या सेंटेंस के जो दूसरे पार्ट्स हैं पार्ट ऑफ स्पीच उनके साथ रिलेशन बताता है ओके okay? जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरा मोबाइल टेबल के ऊपर है सो so मोबाइल एक नाउन हो गया टेबल एक नाउन हो गया तो यहाँ पे जो ऊपर है दैट इज ऑन द टेबल सो ये ऑन यहाँ पे एक प्रोपोजिशन है तो so, हम डिटेल में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन के बारे में स्पेशली सो so, मेरे बारे में मैं राजकुमार सोनी इंडियन नेवी रिटायर्ड मैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप डिस्कशन फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग अकेडमी इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूँ मेरी करियर हिस्ट्री 2004 थाउजेंड फोर टू टू नेवी टीचिंग एक्सपीरियंस सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए और रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी अकेडमी है मिलिट्री अकेडमी जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है मेरी अचीवमेंट आई वॉज कमेंडेड बाई द वाइस एडमिरल विच इज द सेकेंड हाइएस्ट रैंक ऑफ द इंडियन नेवी फॉर माई कमिटमेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जी हाँ बहुत हाई ऑर्डर का था मैंने काफी मेहनत किया था सेकेंड uh, uh, मैंने एक सेमिनार कंडक्ट किया था डिसम्बर नाइनटीन में दैट इज लास्ट ईयर ऑन अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स इन द आर्म फोर्सेज जी हाँ लड़कियों के लिए सेना में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसके ऊपर मैंने एक सेमिनार किया था बहुत ही बेहतरीन सेमिनार था और उसका वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब पे है येस yes, उसमें वॉइस नहीं है केवल वो प्रेजेंटेशन है जिसको मैंने अपलोड किया हुआ है सो so, सारा जो अपॉर्चुनिटीज है उसको एक जगह पे देखने को मिल सकता है खैर हम आगे चलते हैं सो इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशन के हम बारे में बात कर रहे थे पहले हम दस प्रपोजिशन देखेंगे उसके बाद कुछ और प्रपोजिशन सो so, नॉर्मली ये जो इंपॉर्टेंट जो ये सेंटेंस है जिसमें प्रपोजिशन यूज होता है उसको आप देख सकते हैं सो so, पहला है सी इज ब्लाइंड टू हर ओन फॉल्ट जी हाँ ब्लाइंड का मतलब समझ रहे अंधा या दिखता नहीं है और ओन फॉल्ट मतलब अपनी गलती से सो so, उसको अपनी गलती दिखती नहीं है ओके okay, सो so यहाँ पे आप ध्यान देंगे ये बेसिकली ये एग्जाम्पल देने का इंटेंशन ये है कि ब्लाइंड के साथ टू एंड रिमेंबर विवर्स कोई भी प्रपोजिशन को कुछ फिक्स प्रपोजिशन है आप ऐसे ही याद नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी फिक्स प्रिपोजिशन भी अपने साथ साथ कुछ दूसरे प्रपोजिशन लेते हैं एक तरह से डिपेंडिंग अप टू मीनिंग जी हाँ डिपेंडिंग अप टू सेंटेंस का जो मीनिंग है उसका जो कॉन्टेक्स्ट uh, है उसके संदर्भ में बेसिकली सो so, आप क्या मीनिंग समझिए कि क्या हिस इज ब्लाइंड टू हर ओन फॉल्ट अपनी गलती से क्या है वो अनजान है वो अंधी है बेसिकली उसको दिखता नहीं है अपनी गलतियाँ सो ब्लाइंड टू ऑफिसर रिप्रायमेंडमेंट रिप्राइमेंडेड मी फॉर नेगलेक्टिंग माई ड्यूटी जी हाँ रिप्राइमेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डाटना रिब्यू जिसको बोलते हैं बोले तो ये अच्छा वर्ड है सो रिप्राइमेंडेड सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सो इसका क्या है यहाँ पे देखिए बेसिकली एग्जाम्पल क्या डांटा किसके लिए फॉर नेग्लेक्टिंग माई ड्यूटी जी हाँ मैंने ड्यूटी पे अवहेलना किया निगलेक्ट मतलब क्या नजरअंदाज किया कुछ गलती किया या मैं सीरियस uh, नहीं था बेसिकली आई वाज नॉट केयरफुल इन नेग्लेक्ट नेगलिजेंसी जिसको लापरवाही बोलते हैं बेसिकली सो so, यहां पे ध्यान देंगे रिप्रेमेंडेड मी फॉर ये यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है ओके थर्ड देर इज नो सॉफ्टीच्यूट फॉर मेटिकुलस केयर इन ड्राफ्टिंग प्रेजेंटेशन जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा है सब्स्यूट मतलब समझ रहे हैं वन वर्ड सब्स्यूशन हमने सुना है कि शब्द समूहों के लिए एक शब्द सब, तो सब्स्यूट मतलब का क्या है विकल्प बेसिकली कि आपने वन वर्ड सब्स्यूट में क्या होता है बहुत सारे वर्ड्स हैं उनको एक वर्ड से सब्स्यूट करना होता है सो so, यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं विकल्प की सो देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर मेटिकुलस जी हाँ मेटिकुलस मैंने जो बहुत ध्यान से बारीकी से जिसको करते हैं उसको मेटिकुलस बोलते हैं किसका मेटिकुलस केयर जी हाँ ध्यान से करना क्या इन ड्राफ्टिंग प्रेजेंटेशन इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से करने का उसमें मेटिकुलस एफर्ट के अलावा केयर के अलावा कोई सब्स्यूट नहीं है जैसे मैंने ही ये प्रेजेंटेशन यदि बनाया है तो मैंने ध्यान से सारा जो फोन है कलर है एक 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 स्टैंडर्ड में मतलब मैंने ध्यान दिया है कि कोई फोन छोटा बड़ा न रहे कोई बाहर न जाए वर्ड कहीं पे स्पेस कम ज्यादा ना रहो सीरियल नंबर सही रहे कलर कॉम्बिनेशन रहे ताकि व्यूवर्स को अच्छा दिखे सो so, बेसिकली बात यहाँ पे ये यह की जा रही है कि एक प्रेजेंटेशन को ड्राफ्ट करने में मेटिकुलस केयर के अलावा कोई विकल्प नहीं है सो so, प्रिपोजेशन क्या है यहाँ पे अंडरलाइन जितने अंडरलाइन है वो सब प्रिपोजिशन है सो दे इज नो सबशूट फॉर जी हाँ मेटिकुलस केयर इन ड्राफ्टिंग प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन मतलब जो हम पीसी में काम करते हैं या और जो हम कोई भी प्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली उसके सेंस है सो सबशूट फॉर फोर्थ हिज नेम हैज बिकम अ सिनोनिम टू एविल जी हाँ एविल मतलब बुराई है ना मैंने गलत सेंस में बोलते हैं एविल बुरी आत्मा बुराई सो so, उसका जो नाम क्या है वो बुराई का एक पर्यायवाची हो गया सिनोनिम टू सो so, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है सिनोनिम टू सो हिज नेम हैज बिकम अ सिनोनिम टू एविल उसका नाम बुराई का एक पर्यायवाची बन गया है सो टू इज द प्रपोजिशन सेकेंड हुआ, accused. He was accused of murder, आपने सुना होगा ओके सो यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि एक्यूज ऑफ फेमस है मैंने इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ पे यह, यहाँ पे इंक्लूड uh, किया हुआ है सो so, क्या चीज के लिए भाई स्टीलिंग क्लॉथ कपड़ा चुराने के लिए फाइन नेक्स्ट वी हैव डिसाइडेड टू गो बाई एयर जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे अभी नीचे प्रेजेंटेशन है बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन है और उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा सो so यदि आप नॉर्मल एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं जनरल मोड ऑफ बेसिकली नॉट स्पेसिफिक सो यू कैन से आई केम बाई एयर आई केम बाई रोड आई केम बाई ट्रेन ओके जनरल रिमेम्बर जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉट स्पेसिफिको बाई एयर सेवनिटी वॉज फॉर्म टू लुक आफ्टर द मेमोरियल जी हाँ मेमोरियल आपने सुना शहीद स्मारक जहां पे आ, कोई स्पेशल डे को हम मालार्पण करते हैं तो उसको मेमोरियल बोलते हैं कमिटी वॉज फॉर्म्ड कमिटी एक बैठाया गया बनाया गया किसके लिए लुक आफ्टर जी हाँ आप यहाँ पे आफ्टर लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है तो उस शहीद स्मारक के मेंटेनेंस के लिए वहां पे एक तो लुक आफ्टर आफ्टर इज अ करेक्ट प्रपोजिशन ओके सो ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी आर इंटाइटल टू री इम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज सो रि एमबर्समेंट एक नया वर्ड है रीम्बर्समेंट मतलब बेसिकली क्या होता है वो रिफंड बेसिकली जब आप मेडिकल के लिए खर्च करते हैं आप फौज में जाते हैं तो कई बार क्या होता है आप मेडिकल आपको सुविधा वहाँ पे नहीं होती है तो वो जो आपकी मेडिकल में जो खर्चे हुए आप कोई प्रॉब्लम हुआ या बड़े ऑपरेशन हुआ तो पैसा गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देती है यदि आप सुटेबल पेपर आप क्लेम uh, जमा करते हैं तो तो उसी की बात हो रही है कि ऑल द इम्प्लॉयज इन द कंपनी आर इन टू क्या चीज़ के हकदार हैं इन टू इन मतलब हकदार टू री एम्बर्समेंट सो यहाँ पे ये ध्यान देने देने की जरूरत है इन टाइटल्ड टू समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसिस जो चिकित्सा व्यय हुआ है उसकी भरपाई उसकी रिफंड के लिए सभी कर्मचारी हकदार हैं ओके नेक्स्ट गर्ल्स वॉकिंग टू रनिंग जी हाँ प्रेफर हम सब जानते हैं आपने एक सुना होगा प्रेफर टी टू कॉफी और कॉफी टू टी वॉट एवर ओके सो प्रेफर एक बहुत अच्छा वर्ब है जो प्रिपोजिशन टू लेता है ये फिक्स प्रिपोजिशन में एक माना जाता है ओके okay, सो so यहाँ पे प्रेफर टू लड़कियों को रनिंग से ज्यादा क्या है वॉकिंग करना टहलना पसंद है okay, many well attended to him during his illness. जी उसके बहुत सारे जो शुभ चिंतक हैं कई सारे शुभचिंतक जो हैं उनकी बीमारी में उनको क्या हुआ मिले उनसे अटेंड किए सो अटेंडेड टू हिम सो रिव्यूवर्स मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोई भी प्रपोजिशन को रटे नहीं उसका जो मीनिंग है उसको ध्यान में रखते हुए आप तब जाके प्रपोजिशन को यूज करें और ये सेंटेंस का एग्जाम्पल देने से चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कई सारे बुक्स में आपको ये मिलेगा एकदम स्टैंडर्ड हाँ लुक एट लुक आफ्टर ऐसे बट दैट इज अबिट कन्फ्यूजिंग जहाँ पे टफ आएगा डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगा या मीडियम रहेगा वहां पे ये चीजें करेक्ट प्रपोजिशन यूज करना मुश्किल हो जाएगा सो आई विल सजेस्ट दैट प्लीज मेक अ सेंटेंस एंड सी द रेफरेंस एंड अकॉर्डिंगली यूज द करेक्ट प्रपोजिशन फाइन सो so, अब आते हैं हमारे इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर जिसपे हम बात कर रहे थे कि कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए करेक्ट प्रिपोजिशन हम यूज करते हैं सो नॉर्मली नॉर्मलीपोजिशन जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो यूज होता है वो क्या है इन ऑन बाय ओके या तो हम बोलते हैं ही केम इन अ कार या ही केम ऑन अ बस और आई केम बाय सी वाटर लैंड एट्सेट्रा ओके सो अब बात करते हैं कि बाई का यूज कहाँ होता है और बहुत ही सब क्लोज है लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि अभी आपको इस मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन में मैं आपको आर्टिकल का यूज डिटर्मिनल का यूज एंड पोसेसिव केस का यूज़ समझाऊंगा तभी डिफरेंस पता चलेगा कि कैसे आप एक जनरल मोड और एक स्पेसिफिक मोड में डिफरेंस पैदा कर सकते हैं और समझ सकते हैं सो so, सो so ये प्रिपोजिशन का कॉलम है ये यूसेज उसका उपयोग और यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस बहुत ही अच्छा है आप ध्यान से पढ़िए जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है आप दोबारा देखिए उसको पॉज करके देखिए बट आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि यू विल डू वेरी वेल ओके okay. सो so, जो यूज कहा जनरल कोई भी ट्रांसपोर्ट जो हम ऐसे बात करते हैं कि रोड से आ गया जी हाँ गाड़ी का नाम नहीं है एयर से आ गया सी से आ गया और भी चीजें मैं बताता हूं आपको तो इसको बोलेंगे जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सो फॉर एग्जाम्पल सी केम टू इंडिया बाई एयर ये She came to India by air, by air, in air नहीं, on air नहीं, by air easy है. Okay. He came to Varanasi by road easy है, by road. Then we went to Port Blair by sea. जी हाँ, Port Blair, रणमान निकोबार की राजधानी. कहाँ से जाते हैं? आप sea से जाते हैं और air से जा सकते हैं. So sea, by sea, by air, by road. Easy? Okay. यदि आप ये बोलते हैं कि जो रेड में है वो गलत है वो सेंटेंस इसलिए मैंने हाईलाइट uh, किया हुआ है रेड में शी केम टू इंडिया इन एयर नहीं गलत है ओके okay? ध्यान देंगे क्या लगाएंगे बाय एयर ही केम टू वाराणसी इन रोड नाई वी वेंट टू पोर्ट ब्लेयर इन सी नो फाइन सो इज बायूज विद जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज रोड एयर एंड सी ओके नेक्स्ट बाई इज यूज विद जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेम थिंग ओके यूज एनी जनरल नॉट स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ओके अब बात करते हैं डिटेल फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे कैसे चल सकते हैं टैक्सी से कार से ट्रेन से बस से शिप से सी में जा सकते हैं आप और एयर में आप एरोप्लेन से सो so आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि शी कीम टू बलिया बाय टैक्सी बाई कार बाय ट्रेन बाय बस बाय एरोप्लेन शी वेंट टू पोर्ट ब्लेयर बाय शिप एट्सट्रा बार-बार so आपको समझा रहा हूं, ये जो आ, uses है वो जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ होता है जिसमें आप बाई लगाते हैं आप नहीं कहेंगे कि शी केम टू बलिया इन टैक्सी नो इन कार नो ऑन ट्रेन नहीं क्या कहेंगे यूज करेंगे उसको लिंक कहां पे मैं बताता हूँ अभी आगे आपको जहां पे आपको आर्टिकल यहां पे स्पेसिफिक बार बार मैंने यहां पे ये हाईलाइट किया हुआ है सो शी केम टू बलिया बाई शिप एटसेट्रा मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है ये भी जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और ये भी जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ओके okay? फाइन अब आगे देखते हैं यदि आप ये बोलते हैं शी केम टू बलिया बाई अ टैक्सी नो गलत है by this train ये भी गलत है यहाँ पे देखिए आप determiner का यूज हुआ है determine आपने सुना होगा ये स्पेसिफिक डिसाइड करता है दिस कार दैट कार सो determiners my possessive case नहीं ही केम बाय माई कार नो गलत है ये ओके बाय दैट बस गलत है बाय का यूज यहाँ पे नहीं होगा सो so, यदि आप ध्यान देंगे इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस ये है कि पहले वाले में आपने यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं हुआ है कोई आर्टिकल कोई determiner

पर्टिकुलर नेम प्रॉपर नाउन सो यहाँ पे क्या हो जा रहा है ये स्पेसिफिक हो जा रहा है और स्पेसिफिक चीजों के संग हम जनरल मोड ऑफ ये बाइक का यूज नहीं करते हैं जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के संग यूज करते हैं ओके आई होप इट्स क्लियर सो यहाँ पे जब आप बोलते हैं टैक्सी तो मतलब कोई भी टैक्सी हो सकता है वो दिस टैक्सी टैक्सी दैट टैक्सी सात बजे वाली टैक्सी और टैक्सी वॉट कोई पर्टिकुलर नाम यदि आप शिप बोलते हैं तो लाइनर शिप भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ओके okay? सो so, यहाँ पे क्या है कि ये शिप मतलब नॉर्मल शिप लेकिन जब आप क्रूज लाइनर बता देते हैं तो वहां वो स्पेसिफिक हो जाता है सो so, ये जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओके देखिए यदि कैसे पहचानेंगे दैट इज दिस है उसको डिटर्मिनट बोलते हैं और प्रोसेसिव केस दैट इज माई योर आर एटसेट्रा यूज होता है देन बाई इज नॉट यूज बिकॉज़ ऑफ़ आर्टिकल और पोसेसिव मेक इट स्पेसिफिक जी हाँ विवर्स यदि आप वहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें आर्टिकल यूज हुआ डिटर्मिनर यूज हुआ या पोसेसिव केस यूज हुआ तो वो जनरल नहीं रह जाता वो क्या बन जाता? जाता है स्पेसिफिक बन जाता है सो यहाँ पे अर इन और ऑन इज यूज एज डिस्क्राइब्ड वीलो तो उसके साथ आप क्या जब ये आपको कोई भी एक मिल जाता है उसमें आर्टिकल डिटर्मिनल ऑफ प्रोसेसिव के तो वहां पर वो स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वहां पर बाई न लग करके जैसा ट्रांसपोर्ट रहेगा नीचे डिटेल में बताऊंगा आपको वहां पर इन या ऑन का यूज करेंगे ओके okay. सो so, इन कहां पे करेंगे सो इन इजी है इन मतलब अंदर भीतर बंद बेसिकली सो यूज विध स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक की सो यूज विथ स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इनक्लोज स्पेस याद रखना इजी है इन मतलब अंदर बंद इनक्लोज मतलब ही अंदर बंद ओके सो वेयर यू कैनॉट वॉक हाँ ये की पॉइंट है इन का यूज उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ करेंगे जो इनक्लोज हो और जहां पे आप वॉकिंग नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल कार जीप

तो ये क्या हो जा रहा है, ये एक हो जा रहा है. और ऑन का क्योंकि इन का यूज आप वहां पे करते हैं जहां पे जो स्पेस है क्या इनक्लोज हो और वहां पे आप वॉकिंग नहीं कर सकते हैं सो so, कार में आप वॉकिंग टैक्सी जीप बोट हेलीकॉप्टर में आप वॉकिंग नहीं कर सकते हैं सो so, इन अ कार इन अ टैक्सी इन अ जीप इन अलीकॉप्टर इन अ बोट एक्सेट्रा फाइन दूसरा ये देखिए अभी cases also use, same है एक अब क्या गलत है यहाँ पे कोई ऐसे बोलता है सी गोज टू स्कूल इन कार इन कार ध्यान दीजिए इन कार आर्टिकल यूज नहीं है मतलब ये गलत है इन अ कार होना चाहिए आपको इन नहीं लगाना यदि जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करनी है तो सी गोज टू स्कूल बाई कार बाई टैक्सी बाई जीप लेकिन जब आप स्पेसिफिक बना रहे हैं सो इट मीन यहां पर इन अ कार इन अ टैक्सी इन अ जीप इन अलीकॉप्टर इन अ बोट सो यहां पर नो आर्टिकल है इसलिए sentence गलत है अब दूसरा डिटर्मिनर नहीं है देखिए सी गोज टू स्कूल इन दिस कार यहां पर डिटर्मिनर दिस यूज हुआ इसलिए सेंटेंस सही है यहां पर दैट टैक्सी दिस जीप दैट बोट एटसेट्रा सो डिटर्मिनर यूज हुआ इसका मतलब ये सेंटेंस सही है सो so, क्या क्या यूज हुआ इन के साथ आप इनक्लोज स्पेस में यूज करेंगे जहां पे आप वॉकिंग नहीं कर सकते और इन शो करता है कि स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज करेंगे आप उसको और वहां पे उस स्पेसिफिक को दिखाने के लिए वो आर्टिकल डिटर्मिनल और पोसेसिव केस का यूज होता है सो सी गोज टू स्कूल इन दिस कार दैट टैक्सी इन दिस जीप दैट बोट एट्सट्रा में स्पेसिफिक बनाया गया है और इन इसलिए क्योंकि ये इनक्लोज स्पेस है वेरी इजी यहां पे देखिए यदि आप यहाँ पे कोई डिटर्मिनर और कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ यदि आप ऐसे बोलते हैं सी गोज टू स्कूल इन कार वही एग्जाम्पल लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं हुआ है यहाँ पे मैंने डिटर्मिनर का एक्सप्लेन किया हुआ है और यहाँ दैट एटसेट्रा यूज नहीं है तो इसका मतलब डिटर्मिनर भी यूज नहीं हुआ जब डिटर्मिनर नहीं है आर्टिकल नहीं है तो यदि सेंटेंस कोई ऐसे लिखता है सी गोज टू स्कूल इन कार सो दैट सेंटेंस इज इन करेक्ट ओके इन जीप इन इन बोट एटसेट्रा फाइन यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक आई एम सॉरी केस में देखिए सी गोज टू स्कूल इन माई कार वह मेरे साथ जाती है मेरे टैक्सी में जा, तुम्हारे टैक्सी में जाती है या आ, हमारे जीप में जाती है या, हमारे बोट में जाती है उसके बोट में जाती है सो so, पे केस में जब बात हो रही है तो यहाँ पे सेंटेंस सही है क्यों सही है क्योंकि पॉजिटिव केस का यूज हुआ है और स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इनक्लोज क्लोज इसलिए इन सो सी गोज टू स्कूल इन माई कार इन योर टैक्सी इन आर जीप इन हर बोट एटसेट्रा यदि सेम एग्जाम्पल इसमें देखिए यदि इसमें कोई भी प्रोसेसिव केस का यूज नहीं हुआ है कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है कोई भी डिटर्मिनर का यूज नहीं हुआ है तो आप इन बोट नहीं लिखेंगे इन जीप नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे See, कुछ और एग्जाम्पल ऑन देखिए कहां पर यूज होता है अभी हमने इन का चैप्टर खत्म कर दिया इन मतलब बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कहाज हो रहा है सो so, अब हम बाई हमने फिनिश किया इन फिनिश किया अब हम ऑन पे आ रहे हैं लेकिन कर सकते हैं okay? so, कहा वॉकिंग कर सकते हैं जो इंक्लोज स्पेस है आप ट्रेन में चल सकते हैं आप बस में चल सकते हैं आप एरोप्लेन में चल सकते हैं आप शिप में चल सकते हैं ओके okay? सो so, इनके साथ साथ एक तो इंक्लोज स्पेस हो उसके साथ क्या हो आप वॉकिंग कर सके और दूसरा वो स्पेसिफिक और स्पेसिफिक कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया कि आर्टिकल यूज होगा साहब डिटर्मिनर यूज होगा और केस यूज होगा सो यूसेज क्या है इसका वेन यू कैन सिट एज वेल एज वॉक इजी मैंने बताया आपको सो so, यहाँ पे ऑन फुट आप यूज करते हैं ध्यान रखिए ओके okay, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बट आप मान के चलिए कि हाँ पैदल चलना भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है सो ऑन फुट ऑन अ साइकिल ऑन अ बाइक ऑन अ कैमल ऑन अ हॉर्स तो यहाँ पे क्या है सेम बात आर्टिकल और डिटर्मिनर और पोसेसिव केज़ेस आल्सो ऑल्सो यूज ओके यहाँ पे देखिए एग्जांपल आर्टिकल यूज हुआ है कैसे शी गोज टू स्कूल ऑन अ ट्रेन इन अ ट्रेन नहीं कहेंगे पहली बात बाय अ ट्रेन नहीं कहेंगे ओके okay. क्या कहेंगे ऑन अ ट्रेन ये अ आर्टिकल शो करता है कि ये स्पेसिफिक ट्रेन है ओके ऑन अ बस स्पेसिफिक ऑन एन एरोप्लेन स्पेसिफिक ऑन अ शिप ओके यदि आपको बाई यूज करना है तो उसका मतलब है जनरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और फिर यह हो जाएगा और बाई के संग यदि जनरल है तो अ नहीं लगाएंगे सो शी गोज टू स्कूल बाई ट्रेन बाई बस बाय एरोप्लेन बाय शिप ओके बट व्हेन यू आर मेकिंग इट स्पेसिफिक सो ऑन अ ट्रेन ऑन किस लिए इन क्यों नहीं क्योंकि ऑन में आप इनक्लोज स्पेस और वॉकिंग कर सकते हैं कार और जीप में वॉकिंग नहीं करते हैं। इसलिए इन अ जीप इन अ कार लेकिन ट्रेन में यू कैन वॉक एंड इट इज एन इनक्लोज स्पेस सो ऑन अ ट्रेन ऑन अ बस ऑन एन एरोप्लेन ऑन अ शिप यदि आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं उसी को मैंने देख रहे हैं आप बहुत बेहतर तरीके से मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है यदि आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं आप लिखते हैं सी गोज टू स्कूल ऑन ट्रेन गलत है ऑन बस गलत है ऑन एरोप्लेन गलत है ऑन शिप गलत है क्यूं? क्यों क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पे यदि सही करना है सिंपल में तो ऑन को आप बाय करेंगे यदि ऑन को रखना स्पेसिफिक है, है तो यहाँ पे ऑ आर्टिकल लगा देंगे या डिटर्मिनर लगा देंगे या पोसेसिव केस यूज करेंगे ओके डिटर्मिनर वाला एग्जाम्पल देखिए सी गोज टू स्कूल ऑन दिस बस ईजी है अब तो हम समझ गए हैं हमने पहले भी देखा इन के साथ डिटरमिनर दिस दैट एटसेट्रा सो वह इस बस से जाती है स्पेसिफिक है उस 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 ट्रेन से जाती है उस शिप से जाती है कुछ भी सो इट सोज दैट इट इज अ स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और ऑन किस लिए क्योंकि आप वॉकिंग कर सकते हैं व्हाट अबाउट डिटर्मिनर नो डिटर्मिनर नो आर्टिकल ओके सो गलत है सी गोज टू स्कूल ऑन ट्रेन ऑन बस ऑन एरोप्लेन ऑन शिप ओके पोसिश का देखिए यू सेम पे क्या यूज हुआ केस योर बस पोसेसिव केस एरोप्लेन केस यहाँ पे पोसेसिव केस का यूज हुआ है दैट मेक्स इट स्पेसिफिक स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के संग आप ऑन यूज करेंगे यदि आप ऐसे लिखते हैं कोई नो आर्टिकल नो प्रोजिशन नो पोसेसिव केस और सेंटेंस ऐसे हो जाएगा सी गोज टू स्कूल ऑन ट्रेन तो गलत हो जाएगा ध्यान देंगे सारे एग्जाम्पल सेम है मैंने ये डिस्क्रिप्शन के लिए लिखा है कि ताकि बेहतर समझ में आए ओके okay. आप कुछ प्रैक्टिस कर लें बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें भी आपको कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेंगी सो वी आर गोइंग टू सी माय पेरेंट्स कब वीकेंड में क्या लिखेंगे ऑन इन फॉर ड्यूरिंग ऑन वीकेंड ओके क्यों होगा देखते हैं ऑन का यूज हम करते हैं डेट के संग और डे के संग सो so, डेट क्या हो सकता है ट्वेंटी सिक्स या रिपब्लिक डे मंडे वर्किंग डे तो के 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 लिए date and day के लिए आप आप क्या करते है? on का यूज करते हैं हैं. का को भी आप day मान के चलेंगे यहां पर सैटरडेडे वीकेंड हो गया संडे वीकेंड हो गया सो ऑन द वीकेंड फाइन द वीकेंड स्पेसिफिक है ओके सो यहां पे ऑन करेक्ट प्रशन होगा सेकेंड देखिए

लेक्चर uh, सुन रहे हैं ओके सो ही हैज बीन राइडिंग माई बाई साइकिल फॉर टू आवर्स वो मेरी साइकिल दो घंटे से चला रहा है सो so, फॉर का यूज और सिंस के लिए आपने मालूम है आपको इस uh, निश्चित टाइम के लिए सिंस और इनडेफिनिट के लिए फॉर सो फॉर इज यूज विथ टाइम ड्यूरिंग का साहब यूज कहाँ करेंगे ड्यूरिंग इज यूज विथ विध टू स्टेट जी हाँ बताने के लिए क्या वेन समथिंग है कुछ हो रहा है तब जाके आप ड्यूरिंग का यूज करेंगे सो ड्यूरिंग प्लस नाउन आएगा फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए बहुत इंटरेस्टिंग है ही विल बी रियली बिजी ड्यूरिंग द वीक क्या होगा देखिए कुछ हो रहा है आप उस ड्यूरिंग का यूज आप तब करेंगे उस अवस्था को बताने के लिए जब कुछ हो रहा है सो so, वो क्या था बिजी था कब सप्ताह में तो ड्यूरिंग द वीक क्या था वो कुछ हो रहा है इस 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 पीरियड में कुछ हुआ है क्या था वो बिजी था माय ब्रदर्स वाज स्लीपिंग ड्यूरिंग द मैच मेरे भाई लोग मैच के दौरान सो रहे थे सो so, इस ड्यूरिंग में इस पीरियड में क्या हो रहा था सो रहे थे सो ड्यूरिंग द मैच सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है कि ड्यूरिंग इज यूज टू स्टेट वेन समथिंग हैपन्स कुछ उस स्टेट को बताने के लिए जब कुछ हो रहा है तो यहाँ पे स्लीपिंग हो रहा है इस स्टेट में बिजी हैं इस कंडीशन में एंड द लाइट्स वेंट आउट ड्यूरिंग द साइक्लोन इस पीरियड में क्या हुआ साइक्लोन के समय क्या हो गई लाइट बिजली चली गई सो ध्यान देंगे ड्यूरिंग प्लस नाउन ड्यूरिंग प्लस नाउन ड्यूरिंग प्लस नाउन सो ड्यूरिंग का पीरियड यूज वहां पे करेंगे हम ओके okay, एक और प्रैक्टिस डैश ही इज इज डिसेबल्ड ही एक्सीलेंट इन म्यूजिक जी हाँ कुछ तो विरोधा भाष है देखिए वो डिसेबल्ड है वह मैंने दिव्यांग है अपंग है बेसिकली लेकिन फिर भी क्या है एक्सीलेंट इन म्यूजिक सो यहाँ पे डिस्पाइट का ऑल दो इवन इफ वेदर पांच ऑप्शन है पांचों को मैंने एक्सप्लेन किया है सो so, यहां पे जो करेक्ट प्रपोजिशन यूज होगा दैट इज ऑल ओके

कॉन्ट्रास्ट नहीं के बावजूद दे लॉस्ट द मैच डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे ट्रेन हार्ड वे लोग मैच हार गए किस वजह से क्या हुआ था इसके बावजूद जी हां कठिन मेहनत के बावजूद डिस्पाइट द फैक्ट डिस्पाइट द फैक्ट मैंने इस तथ्य इस सत्य के बावजूद कि भाई मेहनत काफी किया हार गए तो यहां पर आप कॉन्ट्रास्ट में आप इसको डोंट गेट कंफ्यूज यहां पे क्या है के बावजूद कठिन मेहनत के बावजूद और यहां पे क्या है कॉन्ट्रास्ट है, है, डिसेबल्ड फिर भी रनिंग अच्छा कर लिया या दौड़ा अच्छा या कुछ और क्वालिटी है या सब ऑर्डिनेट क्लॉज विच अ स्टेटमेंट विच कॉन्ट्रास्ट जी हाँ स्टेटमेंट इन द मेन क्लॉज यहाँ पे कुछ नए टर्म है आप ऑल्दो का यूज तब करते हैं जब एक इंट्र सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करना होता है जो मेन क्लॉज में कॉन्ट्रास्ट करता है ओके सो व्हाट इज मेन क्लॉज मेन क्लॉज जो अपने आप में मीनिंग पूरा रखता है उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और उसके लिए किसी को हेल्प की जरूरत नहीं होती उसका मीनिंग पूरा है मतलब मेन क्लॉज है सब ऑर्डिनेट क्लॉज की जो मीनिंग है कंप्लीट अर्थ के लिए उसको मेन क्लॉज के लिए डिपेंड रहना पड़ता है सो so मेन का मतलब मुख्य और सब ऑर्डिनेट का डिपेंडेंट मतलब जिसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं बेसिकली so, हिंदी में क्या है ये आप एक सबर्डनेट क्लॉज को लिए तब उपयोग करते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट होता है जो मेन क्लॉज के साथ विरोधाभास उल्टा होता है उसका विरोध करता है ओके फॉर एग्जाम्पल ऑल दो वी ईच अदर एवरी डे बहुत अच्छा लाइन है ऑल दो यद्यप हालांकि हम लोग रोज एक दूसरे को देखते थे We did not really know each other, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे सो so, यहाँ पे देखिए really क्या है मेन क्लॉज है क्योंकि इसकी मीनिंग अपने आप में कम्प्लीट है सो द्लॉज इट एज गॉट वन सब्जेक्ट एंड इट एज गॉट वन प्रेडिक्टेड सो विच अदर मेन क्लॉज मीनिंग पूरा लेकिन ऑल्दो वी सो इच अदर एवरी डे यहाँ पे जो वी सॉच अदर जो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ऑल्दो से लेके लेकिन यहाँ पे विरोधाभास क्या हो रहा है हमने देखा

इट्स हॉट नाउ बट इट गेट्स इवेंट हॉटर इन समर अभी तो बहुत गर्म है लेकिन जब गर्म जब ये गर्मियां आती है तो और गर्म हो जाता है सो so, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इवेंट जो है वो क्या कर रहा है वो कंपेरिजन कर रहा है और जोर डाल रहा है ओके सो इवेंट इज यूज टू डिस्क्राइब दिचुएशन विच इज इक्वल और वेल बैलेंस ये भी एक पार्ट है कि इवेंट का यूज आप वहां पर करते हैं जहाँ पे कोई चीज बराबरी की हो या अच्छी तरह से बैलेंस है था सो so, even आप वहाँ पे यूज करते हैं एक आपने देखा even वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे आपको तुलना करना है और साथ में जोर डालना है और दूसरा आप वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे बराबरी है या वेल बैलेंस है सो so, यहाँ पे इवेंट गेम एक और इवन इफ एग्जाम्पल उसमें ऑप्शन था सो इवन इफ का मतलब क्या है भले ही ये क्या था इवन था और ये क्या है इवन इफ सो इवन इफ यू आर एग्जॉस्टेड प्लीज ज्वाइन सो यहाँ पे भले ही इवन इफ का मतलब होता है भले ही तो यहां पे सिंपल मीनिंग है इवन इफ यू आर एग्जॉस्टेड भले ही तुम थके हुए हो लेकिन फिर भी पार्टी में आ जाओ सो ओके इवन इफ भले ही सिंपल मीनिंग वेदर वेदर मतलब हम नॉर्मली हमने इनडायरेक्ट uh, स्पीच में पढ़ा हुआ है एक तरह से कि वेदर को आप आ, उसको ऐड करते हैं रिपोर्टिंग ये सॉरी कंजंक्शन के तौर पे एक तरह से ओके इफ या वेदर सो वेदर का मतलब दोनों में से कौन सा या या सो वी यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच दैट इज नरेशन फॉर एग्जांपल ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एयरफोर्स एग्जाम्स ओके वह मुझसे पूछा कि की की मैं तैयारी कर रहा हूँ एयरफोर्स एग्जाम की सो so, वेदर मतलब की दोनों या या की मैं तैयारी कर रहा हूँ ओके okay, और एग्जांपल आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट में नहीं जानता कि वो आएगा कि नहीं दोनों में से वो क्या करेगा आएगा कि नहीं वेदर का यूज ओके थर्ड आई आई एम नॉट श्योर शुड टेक माय एट द फॉरेस्ट और इन द वैली जी हाँ मैं श्योर नहीं हूं कि मुझे छुट्टियां कहाँ लेनी है जंगल में बितानी है और घाटियों में जाना है सो so, वेदर दोनों में से कौन सा सो so, वेदर मतलब दोनों में से कौन सा या, या और जिसको आप बेसिकली बोलते हैं सो वीवर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे एनर्जी दीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेस्ट विसेज गेट सिलेक्टेड जय हिंद